साउथ फिल्मों की बात की जाए तो साउथ फिल्में जो है बॉलीवुड मतलब कि एक तरह से ओन कर रही हैं अभी, मतलब कि बॉलीवुड चला रही है, क्योंकि जो भी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं वो चल नहीं रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक इंडियन हूँ तो मेरा ये मानना है कि ये एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वे ऑल वन. तो आई जनरली डोंट लाइक टू डिवाइड बिटवीन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. वी लाइक टू सी एवरी थिंग. आई थिंक कोविड के दौरान जब हम लॉकडाउन में थे तब हमें बहुत सारे कॉन्टेंट को हम एक्सपोज हुए हैं और बहुत रीजनल लैंग्वेजेस को, तो लोगों ने देखा कि ओ ऐसी भी फिल्में बनती हैं, वैसी भी फिल्में बनती हैं. तो शायद अभी जो लोग पहले एक्सेप्ट कर लेते थे, अब सबका स्टैंडर्ड बहुत ऊँचा हो गया है. पीपल रियली वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड एंड द स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई. तो शायद द फिल्म लाइक यू नो लाइक पुष्पा, आर आर आर, दे पीपल आर फाइंड, KGF, पीपल आर फाइंडिंग दम वेरी एंटरटेनिंग एंड दे हाई स्टैंडर्ड्स. तो या आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरली नेगेटिव, इट जस्ट पुशेज एवरी वन टू वर्क हार्डर, डू बेटर वर्क. और अब सबको एहसास हो गया कि ऑडियंस विल नॉट जस्ट एक्सेप्ट एनी थिंग, यू नो एवरीबडी नीड्स टू रियली वर्क हार्ड. लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि एक्चुअली किसी को हिट फॉर्मूला नहीं पता. अगर पता होता तो सारी फिल्में हिट ही हो रही होती हैं. साउथ में भी अगर आप देखें, कुछ फिल्में हिट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. यहाँ पे भी वही भारत भूल भुलैया ना जुग जुग जो चली हैं, तो ऐसा नहीं है. वी एक्चुअली डोंट नो द फार्मूला ऑफ अ हिट. सो ऑल वी कैन डू इज डू आर बेस्ट टू मेक एंटरटेनिंग गुड मूवीज, एंड दैट्स द बेस्ट एवरीवन कैन डू. मैम, आजकल जो है इंडस्ट्री का हाल जो है काफ़ी बुरा हुआ है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, इंडस्ट्री का हाल, बॉयकॉट ट्रेंड, कैंसिल कल्चर, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं. आई जस्ट थिंक इट्स प्रीटी सैड, बिकॉज मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बॉयकॉट कर रहे हो मे बी बिकॉज ऑफ वन पर्सन, बट एक फिल्म बनाने में पूरे क्रू, पूरी टीम कहा जाता है, हज़ारों लोग होते हैं जिनकी ये रोज़ी है, जो मेहनत करते हैं. तो टू बॉयकॉट अ मूवी बिकॉज ऑफ वन पर्सन, यू आर ऑल्सो अफेक्टिंग अ होल इंडस्ट्री. टेक्नीशियंस जो बहुत मेहनत करते हैं, तो आई थिंक इट्स सैड. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी किसी को कभी अफेंड करने का इरादा रखता है. अनफॉर्चुनेटली शायद कभी कभी हो जाता है, बट आई जस्ट फील कि जो भी है, जिसने पिक्चर देखनी है उनको देखनी चाहिए, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखेंगे, वो तो नेचुरल है. बट जस्ट वन यू आर बॉयकॉटिंग समथिंग, जस्ट थिंक अबाउट एवरीबडी एंड द ईयर्स ऑफ वर्क एंड मेहनत एंड द टैलेंट, बिकॉज सिर्फ एक पर्सन अफेक्ट नहीं होता है, पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को? मैं अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लविंग गोरी है. आई एम गेटिंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑलरेडी, एंड आई नो मैं बहुत गैप्स छोड़ती हूँ अपने सिंगल्स में, लेकिन इस साल मैं ज़रूर एक और सिंगल लेके आऊँगी, एंड आई कीप डूइंग मोर म्यूजिक. एंड जस्ट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू द सॉन्ग. सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.